अभी मैं बारालाचा की चढ़ाई पर चढ़ रहा हूँ और सर्दी इतनी भयंकर हो गई ना भाई, मुझे लग रहा है 3-4 डिग्री टेम्परेचर रह गया है कुल। आराम से गाड़ी निकल जाएंगी भाई इस पर। तो क्या हुआ है, हैवी लैंडस्लाइड कहीं से, होप सो के कर लूँ मैं। ले है 302 बारालाचा 21 किलोमीटर, सरचू 53। अब रोड आएंगे भाई खतरनाक वाले। अब जा रही यार, वाटर क्रॉसिंग ने तो जिंदगी खराब कर दी है भाई, मुझसे नहीं चल रही ऑफ रोड। गाइस एक और वाटर क्रॉसिंग अपनी चैलेंजिंग वाली। Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise. Good morning guys. तो अभी मैं उठ चुका हूँ और रेडी भी हूँ बिल्कुल निकलने के लिए अपने कैंप में था। तो मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ कैंप कैसा था भाई। सबसे पहले देख लो कैंप में ये कुछ इस तरीके से लगा हुआ था, ये वॉशरूम था भाई। इस पर बैठ के तो ना तबीयत हरी हो गई, बस उसमें पानी चलाना ही गुना हो गया। और अपने नॉर्मल ग्लव्स राइडिंग के लिए एंड लद्दाख के लिए मैंने विंटर ग्लव्स निकाल लिए। माइनस 20 डिग्री, जैकेट रेडी है, हेलमेट रेडी है और अपना जो लगेज सिस्टम है। पीछे यार थोड़ी गाड़ी झूलती है तो पीछे मैंने 2 बैग लगाए हैं एंड आगे मैंने लगाए हैं 2 बैग, जिससे कि सामने वेट बना रहे। जब मैं अप इनक्लाइन पर चढ़ रहा हूँ पीछे वेट हो रहा है तो गाड़ी सामने से उठ रही थी हल्की हल्की, तो ऐसा ना हो। तो इस तरीके से कुछ मैंने कराया सेटअप, सांस फूल के सामान लोड करके। और दोनों बैग ऐसे दिख रहे हैं, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से जिस पास से ले के लिए। अब भाई देखते हैं इस वाले सेटअप पे अपना सेटअप, बैठने में थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि भाई भारी बहुत हो गई है गाड़ी सामने से। अब कल मैं जहाँ खाना खाने आया था वो जगह अभी आपको दिखाऊंगा, सो दैट कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि भाई अगर आप जिस्पा आ रहे हो तो कहाँ आपको खाना खाना है, कहाँ क्या करना है। क्योंकि भाई फूड वॉज वेरी ऑसम एंड उनसे मैंने एप्पल वगैरह उनके साइड के एप्पल और आड़ू लिए थे 150 ईच का। उन्होंने एक बॉक्स दिया था मेरे को चौकर पर, इस पर मैंने खाना खाया था, चाइनीज़ इंडियन करके है। तो आप यहाँ आ सकते हो जिस पर अगर आ रहे हो। अभी तो भाई दाचा वाचा पड़ेगा रास्ते में और आज बारालाचा पे देखते हैं बर्फ़ वर्फ़ मिलती है कि नहीं मिलती। बाकी गर्मी तो यार हो रखी है, अभी ऐसी बात नहीं, बस हवाएं ठंडी हैं और कोई दिक्कत नहीं है। मैंने फ्यूल कैरी कर रखा है अपने साथ, होप्स हो गया यार आज ले पहुँच जाऊँ क्योंकि मेरे को 6-7 तारीख में आगरा वापसी आना है। वो अपना ज़रूरी काम है भाई क्योंकि बिज़नेस से रिलेटेड भी कुछ काम है। अब प्रॉपर जिस्पा आ चुका है, ये प्रॉपर जिस्पा में ही था मैं, जिस्पा से 1 किलोमीटर पीछे था, अब ये प्रॉपर जिस्पा है। तो यहाँ तो आपको काफ़ी सारे होम स्टे वगैरह मिल जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होती भाई। और जब भी आप ये बैग लगा रहे हो हैंडल से बाहर हैं तो थोड़ा सा आप अपना आइडिया लेके ही चलना भाई, क्योंकि हर चीज़ को सेट होने में टाइम लगता है। बताया आगे रोड ज़रा ख़राब मिलेगा, तो देखता हूँ कितना ख़राब मिलने वाला है आज, ये भी देखता हूँ। और जो भी होगा आप लोगों को तो भाई मज़ा आएगा, आप लोगों को मज़ा आएगा, हम लोगों को सजा मिलेगी। तो गाइस मैं आपको एक रूट दिखा देता हूँ, देखिए ये है ये रोड जो आप दालचा से, तो यहाँ से अगर सीधे जाओगे तो पदुम वगैरह निकल जाओगे। बाकी इधर से अपन लोग जा रहे हैं बारालाचा की साइड, तो ये रोड है बीच में बिल्कुल, मतलब यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट मारोगे तो पदुम वगैरह जंस्कार वाला रोड। और यहाँ से अपन लोग चल रहे हैं सीधे बारालाचा। अभी ये सफ़र अब जल्दी फिनिश होने वाला है, अपनी लद्दाख की राइड की सीरीज के मिड में चल रहे हैं हम लोग। बट यार दुख है, अभी सड़ी गर्मी है आगरा के अंदर में, मेरी बात हुई थी कल मम्मी से, मम्मी कह रही भाई बाहर निकलने का मन भी नहीं कर रहा, बारिश भी प्रॉपर नहीं हो रही और मैं यहाँ भाई 5-6 डिग्री के टेम्परेचर के मज़े ले रहा हूँ, तो बड़ी बात है यार। छोटी सी माइनर सी ही ऑफ रोड है, बहुत बड़ी नहीं कहूँगा इसको, आराम से गाड़ी निकल जाएंगी भाई इस पर, तो ऐसी कोई दिक्कत है भी नहीं। क्या झरना है भाई, मज़ा आ गया देख करके। ऑफ रोड का भी भाई अपना ही अलग मज़ा है यार। ऑफ रोड पे एक दिक्कत होती है भाई, आपको पंचर होने का थोड़ा खतरा बना रहता है, और तो कुछ ऐसा खास है नहीं। नीचाई देखी एकदम, छोटे पत्थर यहाँ गिर गए हैं ऊपर से, वो देखो भाई को सल्यूट है भाई, साइकिल से भाई कर रहा है पूरा प्रॉपर, हर तरीके का बंदा है भाई। ओ माय गॉड यार पानी तो बहुत हैवी है भाई। होप सो के कर लूँ मैं।
एकदम डीप सा है ना वो, अभी तो ऐसे बहुत मिलेंगे। एक अंदाजा लेके चलना पड़ेगा, गिरा तो गिरा, बचा तो बचा, सिंपल सी बात भाई। पर पानी बहुत ठंडा था, जूते गीले हो गए, सबरे काम हो गए मेरे तो। अब ये देख नहीं सकते ना कि पत्थर कहाँ लगा, क्या हुआ, कहीं कुछ लगा तो था धड़ाक से, अब वो बाद में ही देखूंगा भाई। तो गाइज यहाँ हुआ है हैवी लैंडस्लाइड कहीं से, और ये पूरा ट्रैफिक जाम है, ऑफ रोड है, और ये झरना कितना क्लीन आ रहा है ऊपर से ऐसे करता हुआ भाई, अच्छा लग रहा है एकदम। गाइज ले है 302 12 लाख 21 किलोमीटर सरचू 53, अब रोड आएंगे भाई खतरनाक वाले। अभी तक सूझ भीग गए ना भाई उसमें यार, था क्या बॉर्डर क्रॉसिंग बहुत डीप थी वो यार, मेरे पैर पे अब तक कोई हैवी पत्थर लगा है, मुझे लग रहा है अंदर छिल गया है, मेरे दर्द होने लगा है। तो भाई अब समझ में आ गया कि ऊंचे वाले बूट क्यों लेने चाहिए और क्यों वो बेनिफिट करते हैं, अभी पूरी चीज़ें मेरे को क्लियरली समझ में आ रही हैं। और अपना एक ही हैशटैग है भाई, गिरना नहीं है जैसे पहले था 2023 में, और इस बार तो भाई अकेला हूँ, बट यार एक अच्छी चीज़ है इनके ग्रुप का एक बंदा मेरे को मिल गया है, वो मेरे साथ बैठ गया है, तो देखते हैं भाई थोड़ा सा ना एक मोटिवेशन बढ़ जाता है, और कुछ नहीं है यार। अब गाड़ी इधर फिंकने के लिए कर रही है, मतलब इतनी तेज़ हवाएं ना कि मैं गाड़ी टर्न मार रहा हूँ तो इधर इधर जा रही है पूरी गाड़ी इधर, बट बहुत सेफ्टी के साथ करना पड़ेगा भाई जो भी करना है। अभी ऐसे चढ़ना है मेरे को ऊपर, फर्स्ट गियर पे लाना पड़ेगा भाई, हिमालयन के टायर में हवा थोड़ी कम लग रही है इस भाई के, दम उखड़ गई गाड़ी की, फिर दम उखड़ी, ऑक्सीजन कम है तो पेट्रोल प्रॉपर जलता नहीं है ना, जब बर्निंग नहीं होगी इंजन के अंदर में तो चढ़ेगा नहीं प्रॉपरली। अब कार्बोरेटर वाली जितनी बाइक्स हैं उनमें तो आप ट्यून अप थोड़ा बहुत करके चेंजेस कर सकते हो, और भाई FI में तो ट्यूनिंग फिर बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे तब होगा, हो जाएगा, पर बहुत सारी चीज़ अपग्रेड करनी पड़ेगी, या फ्यूल एक्स प्रो आता है वो डाल के भी हो जाता है। सो गाइस अभी मैं 12 लाचा की चढ़ाई पर चढ़ रहा हूँ, और सर्दी इतनी भयंकर हो गई ना भाई, मुझे लग रहा है 3-4 डिग्री टेम्परेचर रह गया है कुल, मतलब एयर वेंट्स जहाँ जाएँ वहाँ से ऐसा लग रहा है बर्फ़ जमे ना जमे अपना खून ज़रूर जम जाएगा, ऐसी हालत हो गई है। और जूते भीग रखे हैं भाई वाटर क्रॉसिंग के बाद ना, तो और ज़्यादा स्थिति ख़राब दिख रही है, देखता हूँ भाई क्या सिचुएशन बनती है। फ़िलहाल तो ये है, अभी ले कम से कम भाई बहुत लंबा है, दिमाग में वही लगा रहता है, रात में सोना है, फिर डेटा वेटा उठाना है अपना कैमरा से, फिर भागना है सुबह, यार वो सब चीज़ें लगी रहती हैं, तो देखना पड़ जाता है भाई क्या क्या चीज़ सेटअप करनी है, क्या क्या गड़बड़ रह गया, क्या क्या नहीं रह गया। कार को चढ़ने में भी दम उखड़ रही है क्या भाई, आहा कितनी फ्रेश फ्रेश स्नो है यार यहाँ मेरे साइड में भी, अब तो स्नो दिखने लग गई है यार, मजा आ गया, अपने को दिक्कत नहीं होने वाली भोलेनाथ सबके साथ। हाँ ये बात मैं आपको बता दूं, अब गाड़ी मेरे को अपग्रेड करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे अब ऐसी बाइक चाहिए इसका ग्राउंड क्लियरेंस बढ़िया हो, जिससे कि मैं स्पीड पर निकाल पाऊँ यार उसको, इसमें थोड़ा सा डर लगता है। अभी दो बैग आगे लगा रखे ना, तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा ओवर डाउन हो गया है, तो वो दिक्कत है। और मेरे साइड में है स्नो, बट ये थोड़ा सा ओल्ड स्नो है, बट यार सही बताऊँ ना हल्की हल्की धूप निकल रही है, उससे भी ऐसा लग रहा है जान बच जाएगी, और ज़रा सी गलती उधर ही टपकोगे सीधे भाई जा करके। क्या हो गया, कार की पावर छूट गई क्या, कार चढ़ नहीं पा रही है भाई, ये देखो आगे कोई वाटर क्रॉसिंग है लगता है। हाँ जी वाटर क्रॉसिंग है टफ वाली, देखना पड़ेगा कितनी हैवी है क्या है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, वाटर क्रॉसिंग है, निकल जाऊंगा शायद। बारह लाचा की है बट जाने देता हूँ, जा रही यार थोड़ा सीधा करो, हाँ
पूरी नहीं गिरने दी गाइस गाड़ी, तो झुक गई एक साइड, गिरी नहीं। गाइस अभी मैं एंटर कर चुका हूँ दालचा में, और दालचा का बोर्ड पीछे लगा हुआ था, बट मैंने कैमरा ऑन नहीं किया क्योंकि इतने सुंदर सुंदर जो नज़ारे हैं ना भाई, वो देख करके मेरा दिल हो गया था खुश। और दो तीन कार वाले मिल गए तो उनके साथ खींचता हुआ लाया भाई, पता नहीं 20 किलो 15 किलोमीटर ऐसे निकाले ना मैंने, 12-13 किलोमीटर पता ही नहीं लगा भाई। अब आराम से चल रहा हूँ, मज़े लेता हुआ, हवा बहुत तेज़ चल रही है पर मज़ा इतना शानदार आ रहा है ना कि भाई बस कुछ कहने नहीं है मज़े के यार, मतलब मज़ा फुल ऑन फुल फुल पावर मज़ा यार। और अपनी गाड़ी अभी आगरा से चल गई है 904। अब जो ये हरियाली है धीरे धीरे अपने ले साइड जाते जाएंगे कम होती जाएगी उधर, तो आपको पता है रेत पहाड़ मिट्टी बस यही सब है और कुछ नहीं है, बंजर एकदम। कल हो सकता है अगर आज मैं ले पहुंच गया तो कल शांति स्तूपा वगैरह ये सब अपन लोग निपटा लेंगे, मतलब मेरा एक फ्रेंड और आ रहा है वहाँ कॉन्टिनेंटल जीटी लेकर जहाँ तक, अगर वो आ जाते हैं ले से ही है वो, तो भाई फिर मस्त फन करेंगे दोनों भाई मिल करके, कुछ ड्रोन शॉट्स भी उठाएंगे। दालचा का कोई चेक पोस्ट तो नहीं है, एंट्री होगा सर? ठीक है, तो यहाँ एंट्री कराता हूँ फिर निकलता हूँ गाइस यहाँ से। सो गाइस बारालाचा मैं पहुँच चुका हूँ, एक और इस पे से निकलता हूँ, फिसलेगी फिसल जाएगी जो होगा देखा जाएगा। एक हिम्मत तो बढ़ती है यार इन सब चैलेंजेस को करने के बाद। ये चलते हैं यार कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह कराते हैं इधर। तो गाइस रोते हुए गिरते हुए एक बार सब तरीके से अपनी गाड़ी बो रही, कुछ ले रही है स्नैक्स वगैरह, तो उधर बारालाचा है वहाँ जा रहा हूँ। और ये देखो स्नो भाई यहाँ फ्रेश एकदम बढ़िया, और ठंडा मौसम हो रहा है, तो चलो चलते हैं। बाकी का भाई एक्सपीरियंस मिला मनाली रोड से अगर आप आ रहे हो, चैलेंज तो है, हिम्मत चाहिए आप लोगों को, एक्सपीरियंस भी चाहिए, ज़रा सा कॉन्फिडेंस ड्रॉप हुआ ना गाड़ी गिरती है भाई सीधे, सही बोल रहा हूँ। और इसमें जाना है जपा जप करके, तो भाई वो जूते अंदर जा रहे हैं। तो गाइस यहाँ तक आने में हालत ख़राब हो गई, ये है बारालाचा पास, बोलने की हिम्मत नहीं है। भाई मेरे से किसी ने कहा था कि बारालाचा का रोड एकदम बढ़िया है, अगर इतना बढ़िया है तो भाई ये बढ़िया बढ़िया ही है भाई सच में। अभी इतनी हैवी दो वाटर क्रॉसिंग और गई, सही कहा था मनन भैया आपको सल्यूट है, मनाली से जाओगे तो गिरोगे ज़रूर, अपना हैशटैग था गिरना नहीं है, बट गिरे नहीं, गाड़ी जस्ट टिल्ट हो गई, चलो कोई नहीं चलता है इतना तो यार। पर यार अभी आगे का पता नहीं है क्या पोजीशन बनेगी, बट आगे बहुत टफेस्ट कंडीशन है ये लोग बता रहे हैं, अभी यहाँ कंक्रीट वाला रोड भी स्टार्ट हो गया है, सांस फूल रही है, हेडेक हो रहा है यार क्या है यार। यार वाटर क्रॉसिंग ने तो ज़िंदगी ख़राब कर दी है। रोड कितने प्यारे हैं भाई, किसी ने कहा था रोड बहुत प्यारा मिलेगा, ये प्यारा है तो यार बढ़िया रोड क्या होता होगा भाई, मतलब ख़राब रोड क्या होता होगा। तो अच्छा हुआ मैंने बैग सामने बांध रखे हैं तो बचता हुआ चल रहा हूँ, बाकी ग्लेशियर अब पिघल रहे हैं बहुत ज़ोर से। बीच में से निकलता हूँ, टीले बन गए यार मिट्टी के पूरे अमीनार से। ऑफ रोडिंग तो बहुत टफ है भाई, हिमालयन विमालयन हो तब तो भी आसान होता है थोड़ा, अब इधर से किधर से डाला जाए
इधर से डालता हूँ भाई, और तो कोई रास्ता समझ में आ नहीं रहा है। कॉर्नर कॉर्नर पे डाल के निकाल ले जाता हूँ। निकल गई, कहाँ तक यार पता नहीं। इधर डालता हूँ, चलो जाने देता हूँ, निकल जाएंगे भाई। कसम से बहुत ख़राब रोड है यार, जाने दूंगा जाने दूंगा, अब नहीं रुकूंगा। भगवान प्रभु श्री राम। एक और वाटर क्रॉसिंग अपनी चैलेंजिंग वाली। कम ऑन भाई, बहुत टफ है। भाई आपको एक रिकमेंडेशन देता हूँ, साइड से मत आना भाई, मनाली साइड से मत आना, जाम भी लगता है, बहुत बुरा हाल है भाई। मुझे नहीं लगता आगे क्या होगा, मैं पूरा भीग चुका हूँ। पैर में बहुत तेज लगा था कोई पत्थर यार, ट्रैफिक बहुत देर से लगा हुआ है यार ये भाई, बहुत कर्रा जाम लगा हुआ है। मुझे नहीं लगता आज मैं ले पहुँच पाऊँगा, इतना जाम इतना पाउडर लग गया है ना कि बस कुछ समझ में नहीं आ रहा। हैंडल गाड़ी सब हिल गई है। बीच में तो बड़े बड़े पत्थर हैं भाई, और टॉमी प्यार से कर रही है इन सबको अब, क्योंकि अब आ गया एक्सपीरियंस प्लस अपना कंट्रोल सब चीज़ों पर कहीं ना कहीं। कितनी सारी भीड़ है, इतनी सुंदर सुंदर। चूके देख लिया मैंने। अब इधर रिवर है भाई, बहुत टफ है यार, मनाली साइड से बहुत टफ है यार लद्दाख। सही कहते हैं लोग, आप लद्दाख का पूरा सर्किट जो है, बाकी मैं मनाली साइड से नहीं किया तो क्या किया आपने। अभी एक बहुत अच्छा रोड मिल गया है और मज़ा इस पर एक नंबर आ रहा है भाई। ये ओड़ी गाड़ी, ये इस पर आराम से 100 तो चला सकते हो भाई, बट थोड़ा सा सेफ साइड। ओ ये सरचू आ गया है, ओके। तभी तो मैं कहूँगा सरचू लग तो सुंदर रहा है यार। सरचू वेलकम टू दी सरचू। लगता है कोई चेक पोस्ट आया है। लेट 252 रह गया है, अभी तो फटेगी भाई। स्टॉप चेकिंग। सर एक बात बताएंगे, इतनी सारी गंदी वाली वाटर क्रॉसिंग थी, आगे भी पड़ेंगी क्या? पांग तक है। हालत ख़राब हो गई आज कसम से यार, बाकी अभी मिट्टी के पहाड़ आने लगे हैं। भैया मैं इस रूट से लौट के ज़िंदगी में नहीं आऊँगा, मैं श्रीनगर वाला ही करा करूँगा मस्त। गॉड भाई ये तो बकचोदी है, ये अच्छे वाले रोड अक्सर बंद क्यों कर देते हैं भाई, मुझे कोई रुपया कोई बताएगा? अबे यार चलो देखते हैं भाई किधर से निकलते हैं, क्या करते हैं। अरे तेरी भैंस की टांग। इधर से लेता हूँ भाई, गंभीर व्यवस्था है भाई, ख़राब
गंभीर वाली है। अबे ये कैसा रोड है भाई, यहाँ तो गाड़ी ना लग जाए नीचे। अरे बाप रे बाप, कहाँ चढ़ूंगा मैं भाई, क्या है ये, ओ भगवान। लेह 249, चलो देखते हैं पहुंच जाए लेह तो बढ़िया यार। तो अभी गाइस थोड़ा सा छोटा रास्ता स्टार्ट हो गया है, एक बढ़िया रास्ता चलते चलते ख़त्म होकर, क्या ठीक है, रास्ते तो रास्ते हैं यार, चलना चाहिए। अभी थकान बहुत हो रही है, बहुत थकान हो रही है, मैं सोचा हूँ आज कैसे भी यार लेह लग जाए ना अपनी गाड़ी तो ठीक रहेगा। ओके, इधर से ट्रक ट्रक भी चिपक के आएंगे और अपने को जाना भी है। वाह वाह जी वाह। सारे गाइस घाटा लूप चल रहे हैं, देख रहे हो ना, तो ये थोड़ा सा टफेस्ट होता है, बाकी नॉट अ हार्ड। इतना वेट लेकर हाउ परफॉर्म माई डोमिनार, इट्स गुड गुड गुड, बट कुछ चीज़ें हैं जो बताएंगे आपसे कभी बैठ करके इसके बारे में। कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ बुरी बातें भी लगी मेरे को। कितने प्यारे और छोटे छोटे से रोड हैं भाई, कहीं कहीं से भाई रोड ही सड़क गया है पूरा। घाटा लूप्स इसका नाम इसलिए रखा है गाइस, ये देखो ये ऐसे हम लोग जिग-जैग करके जाते हैं और वो पूरे पहाड़ों पर ऊपर तक जिग-जैग मार करके जाना है वहाँ तक, और ये घाटा लूप्स। गाइस देखो ट्रक को जगह भी नहीं है यार, कैसे कैसे निकलना पड़ता है यहाँ से इतने छोटे छोटे रूट्स पे। ट्रक पैक हो रहा है, क्या फंसे हैं भाई दोनों ट्रक, जरा सी जगह है। देखो ये जो पानी की बोतल दिख रही है ना गाइस, इनका रहस्य ये है, एक ट्रक वाला कोई आ रहा था जो प्यास से मर गया था, तो इस वजह से लोग आप बोतल चढ़ाते हैं, बट मैं नहीं मानता यार इसमें कोई ऐसा कोई तर्क है या कोई मिथ है, तो आप लोग यार प्लीज़ इस चीज़ पर फोकस कर लेना। कहावत जो है लोग चढ़ा के जाते हैं उनका बढ़िया रहता है, देखो सबकी आस्था अपनी है, बढ़िया प्लास्टिक बोतल्स का कुछ वो नहीं है, या तो ऐसा कर सकते हो अगर बोतल ही आपको चढ़ानी है तो वाटर इसका यहाँ पर डाल सकते हो, उसके बाद अपनी बोतल लेके जा सकते हो अपने साथ, तो ऐसा आप लोग कर सकते हो यार, मेरी ही थिंकिंग है ये। और प्लीज़ जिनकी डेथ हुई थी यार उनके लिए मैं सॉरी चाहूँगा अगर मैं कुछ वर्ड बोल गया हूँ, ऐसे गलत वर्ल्ड कोई वर्ड बोल गया हूँ, क्योंकि यार ये वाटर वाला जो है ठीक है अपनी जगह, बट यार बोतल छोड़ना इससे यार बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होगा। काफ़ी मशक्क़त, काफ़ी ऑफ रोड के बाद मैं आ चुका हूँ नाकिला पास, और ये है यहाँ पर नाकिला पास। हाइट है इसकी 15,054 फीट, सिंकुला। ये देखो एक पास ये रहा भाई, कुछ खाया नहीं है, हालत ऐसी ख़राब है ना। अब शायद हमें चढ़ना नहीं है, अब उतरना है। घाटा लूप तो कुछ ज़्यादा ही यार गड़बड़ मामला है भाई, क्रॉसिंग में इतनी दिक्कत नहीं हुई जितनी मेरे को घाटा लूप करने में हुई है भाई, क्योंकि एक एक गड्ढा एक एक रोड ऐसे बचा बचा के चल रहा हूँ ना भाई, क्योंकि क्या बोलूँ मैं बस यार, इस रूट पे आके फंस गया यार चैलेंज लेकर के। अब लिया ही चैलेंज तो करना तो पड़ेगा पूरा ऑडियंस के लिए। अब इसके बाद अगर ऑडियंस ने भाई सपोर्ट नहीं दिखाया मैं बंद कर दूंगा भाई यूट्यूब, मैं सच बोल रहा हूँ भाई, इससे ज़्यादा मैं मेहनत नहीं कर पाऊँगा। सौ की बात खत्म। तो गाइस यार ये पांग वाला जो रोड है ना इतना ज़्यादा ख़राब है, इतना ज़्यादा ख़राब है, मुझे तो जंस्कार याद दिला रहा है ये, जैसे लोग जंस्कार जाते हैं। पिछले 22-23 किलोमीटर से मैं ऐसे ही चल रहा हूँ और अभी 27-28 किलोमीटर और मेरे को इसी ऑफ रोड से चलना है, और पहिए भी मेरे इधर उधर स्किड हो रहे हैं भाई, मैं ही जानता हूँ मैं कैसे कैसे गाड़ी चला रहा हूँ। और सर्दी इतनी ज़्यादा हो गई है ना मेरे को भाई, रेनकोट डालना पड़ा है, जैकेट भी नहीं काम कर रही, मतलब अंदर वार्मर भी नहीं काम कर रहा, और मेरे हैंड ग्लव्स हैं जो भाई कुछ भी काम नहीं कर रहे भाई, लिटरली कुछ भी काम नहीं कर रहे, शूज़ मेरे भीग गए हैं पूरे वाटर क्रॉसिंग्स में, मुझे पक्का पता है भाई आज मैं बीमार पड़ने वाला हूँ। एक और हाईएस्ट पास आ गया गाइस, एल्टीट्यूड 16,616 फीट, लाचुंगला पास, ये है लाचुंगला पास।
और आगे शायद यार वाटर क्रॉसिंग है एक, देखते हैं कितनी डीप है कितनी नहीं है। और जब सी है अब तो प्रैक्टिस हो गई, निकाल देंगे गाड़ी, अब डर नहीं लगता साहब वाटर क्रॉसिंग से। इधर 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 होता क्या है ना नाइट में यार, ब्लैक आइस जमने के भी चांसेस रहते हैं, तो उसको भी देख करके थोड़ा बचा करके ही चलना पड़ेगा। देखो कार वाले को देखो किधर डर रहा है भाई। बाइक वालों से तो इनकी बड़ी कर रही दुश्मनी होती है भाई कार वालों की, मैंने ये देखा है लिटरली। बहुत हैवी नहीं है तो देखता हूँ निकल तो पाऊँगा यार, किधर होके निकला जाए यार। अरे गाड़ी किधर जा रही है भाई मेरी, बड़े बड़े खड्डे हैं, जितना बचाओ उतने बड़े खड्डे में जाती जाती है, कितना भी करो यार। चलो फिर भी देखता हूँ, इधर ना जा भाई, इधर से ही निकल जा, कैसे भी निकल जा भाई, चिकनी मिट्टी वाप रहे हो भैया, स्किट कर रहा है। कौन सा गियर है यार, भाई पूरी गाड़ी हिल रही है, पूरी गाड़ी स्किड हो रही है। एक डीप वाला है ये थोड़ा सा, बस ये निकल जाए फिर काम ठीक है, हो गया। थोड़ी देर रुकता हूँ यार, बहुत बुरा हाल हुआ है मेरा आज, कम्प्लीटली वाटर क्रॉसिंग से है यार ये छोटे छोटे, बहुत चिकना और स्लिपरी हो गया है रोड, ज़रा सी गलती मेरी मौत को दावत देगी। ऑफ रोड हो यार, थोड़ा बहुत चलता है, 100-150 किलोमीटर का ऑफ रोड कौन करता है यार, जंस कार थोड़ी कर रहा हूँ मैं, लद्दाख कर रहा हूँ। सारा बीआरओ की टीम ने खोद के तो डाल दिया, बनाएंगे कब पता ही नहीं, और रात में पत्थर और नहीं दिखेंगे मुझे कहाँ क्या घट्टा है। दे दो भगवान आपकी मर्जी है भाई, कर लूँगा मैं, गिरा गिर गया बचा बच जाऊँगा। गाड़ी में बता नहीं सकता हूँ कितना टायर हैंडल पकड़ा हूँ, इधर उधर ऐसे भाग रही है ना, एक तो रोड टायर डाला हुआ है पीछे, उस पर भी यार इतनी हैवी ऑफ रोडिंग, नीचे चढ़ाना ऊपर चढ़ाना इसको यार। ये बहुत सही चीज़ करी भाई मैंने, सामने ये बैग बांध दिया, वजन डाल दिया, वरना गाड़ी टूट रही थी यार कसम से। अब तो रास्ता भी नहीं पता मुझे यार, इधर से ही जाना है किधर से जाना है। बहुत कर लूँ यार कैमरा, कितना धूल मिट्टी उड़ा रही है, कुछ दिख भी नहीं रहा मेरे को। तो गाइस इमरजेंसी में मैं पेट्रोल ले रहा हूँ 2 लीटर भैया से, 160 रुपीज़ पर लीटर ईज दिया है, पर यार मिल गया ये अच्छी बात है। भैया बता रहे हैं फ्रेश पेट्रोल है, डलवा लेते हैं। 2 लीटर अपने साथ कैरी कर लिया है, ले पहुँचना है, अभी ले काफ़ी दूर है और मैं इस जगह पर था, तो मैगी वगैरह खाया और अभी यहाँ से निकलते हैं भाई पेट्रोल डलवा के। गुड मॉर्निंग गाइस, अपनी गाड़ी रेडी है और रोड देखो भाई कितना ख़तरनाक रोड करके आया था कल मैं, और मैं आपको एक रिकमेंडेशन दूंगा कि अगर आप भाई मनाली से आ रहे हो ना तो प्लीज़ अवॉइड करना, क्योंकि मनाली वाला बहुत टफ है,